और मेरे भाई, क्या हालचाल है? तो 11th के दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मिलेगा OCM का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। बिल्कुल हाँ, इम्पोर्टेंट आंसर नहीं मिलेगा, आंसर तो आपके पास ऑलरेडी होगा, क्वेश्चन से आपको दे पाऊंगा मैं सिर्फ। गाइस, अब देखो, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा दो फैक्टर पे बेस्ड है। पहला, कमेंट पे बिल्कुल मत करना यार कि सर 100% आने वाला है कि नहीं आने वाला है। इतना चांसेस है कि हाँ आके रहेगा भाई, ठीक है, 100% कोई नहीं बोलता, पर हाँ 99% तो मैं इसके तो बोलता हूँ, हाँ आने के बिल्कुल चांसेस है। दूसरा, सर क्या आप सारे क्वेश्चंस बताओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ यार, मुझे नहीं पता कि सारे आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, पर मैं तुम्हें वो जरूर बताऊंगा जो आने के चांसेस है। तो कमेंट में ये भी मत बताना कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चीज एज्यूम करके चलूंगा। एज्यूम करके चलूंगा मतलब कैसा सर? मैं चलूंगा ऑब्जेक्टिव को एज्यूम करके कि आपको जो ऑब्जेक्टिव है, जो छोटे मोटे क्या बोलते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक से, ट्रू फॉल्स से, वन वर्ड है वो आता है। अब देखो, इसमें बिल्कुल मत पूछना सर ये भी बता दो कि वन वर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में कौन कौन से क्वेश्चन है। भाई अब इतना सिंपल से अगर तुमको बताते चलो तो वीडियो तो लंबा हो गई, और ये तो भाई मतलब मेरी ऑडियंस इतनी कमजोर है कि अभी उन्हें इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस की भी जरूरत पड़े, मुझे नहीं लगता कि ऐसा अभी सीन होने वाला है ना। तो प्लीज पढ़ाई करके रखो, तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे। मैंने पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था तुमसे कि तुम्हारे सेमेस्टर चालू होने वाला है, मतलब तुम्हारे एग्जाम चालू होने वाला है कि नहीं, तो मैक्सिमम लोगों ने बोला कि अभी नहीं। इसका मतलब मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि 4-5 दिन बाद चालू होने वाला है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो चाहिए होगा, तो वही इसीलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है, पहले बता दूं तो 1 से लेकर 5 चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वही तुमको बताने वाला हूँ मैं, और बाकी के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब सेमेस्टर के लिए तो 5 ही चैप्टर तुमसे पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ तुम सेमेस्टर के नजर से मत देखना, फाइनल के नजर से देखना, क्योंकि फाइनल में तो पूरा बुक ही आएगा, एबीटी एग्जाम भी रहेगा आपको, तो एबीटी भी आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो पूरा ध्यान से देखना। और हाँ, कमेंट करके बताना पार्ट 2 के लिए, तभी पार्ट 2 वीडियो आएगा, नहीं तो मैं 12th वालों के लिए बनाऊंगा और क्या करूंगा। वेल, यहाँ पे देखो, थोड़ा मजाक को साइड में रख के, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर है, इसके ऊपर ही बनेगा, ओके। पार्ट 1 यही वीडियो है, यहीं तक बनेगा, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अब दो चीज को एज्यूम करके चलूंगा। पहला, तुम केस द फॉलोइंग सिचुएशन है ना करके रखना, बहुत ईजी है, उसमें कंजूसी मत दिखाना। दूसरा, ऑब्जेक्टिव हो गया क्लियर, बस खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ब्रीफ आंसर द फॉलोइंग, जस्टिफाई, यही तुमको बताने वाला हूँ। बाकी दो चीज तुमको एज्यूम करना है, एज्यूम क्या करना है, केस द फॉलोइंग सिचुएशन और ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ तक तुमको क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब चलो जल्दी से मुझे क्वेश्चन आंसर बता दो। पर यार 1000 सब्सक्राइबर के ना बहुत ज्यादा करीब हूँ मैं, बहुत ज्यादा करीब हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो। क्यों करो? ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइफ ले सकूं। क्या ले सकूं? तुम्हारा लेक्चर ले सकूं, तुम्हें लाइव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकूं। बहुत कुछ सोचा यार, बहुत कुछ प्लान किया है, उसके लिए बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, बस सपोर्ट करो और बस बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। अब देखो, चैप्टर नंबर 1 जो है, अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से जो क्वेश्चन से उसके बोर्ड में आने के चांसेस है। अब देखो, बोर्ड में आने के चांसेस है मीन्स तुम्हारा जो फाइनल सेमेस्टर है या फिर तुम्हारा जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें क्या आने के चांसेस है, तो ऑब्जेक्टिव करके रखो, ये मैं अज्यूम करता हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको बिजनेस, प्रोफेशन, एंड उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट, एंड उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बस बात खत्म। केस द फॉलोइंग सिचुएशन आपको करके रखना है। डिस्टिंग्विश में आपको इंडस्ट्री कॉमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह पूछा जाता है, और उसके बाद आपको आएगा बिजनेस एंड प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, बस बात खत्म। आंसर ब्रीफ में आपको क्या करना है सर? ये जो 1 2 3 4 है ना वो करके रखो, काम खत्म है। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में कॉमर्स का, और उसके बाद रिक्स, और उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट, होलसेलर, एंड बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बस इतना काफी है। एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग में व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, एक्सपोर्ट, ट्रेड, एंड उसके बाद आएगा स्टेट द रोल ऑफ एक्सिलरीज टू ट्रेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज, एंड उसके बाद जो आएगा तुम्हारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, बस इतना काफी है। एंड हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, बिजनेस और एनालिसिस ऑफ बिजनेस, बस इतना काफी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या रहेगा सर। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 पे जो तुम्हारा सेम वही रहेगा जो क्वेश्चन 1 में तुम्हें बताऊंगा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव तुम्हें एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि हाँ तुम्हें सब करना है। चलो क्वेश्चन नंबर
सेवन से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या रहेगा। यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और मेन फीचर ऑफ होलसेलर काम खत्म। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में डिपार्टमेंटल चेन स्टोर होलसेलर, ठीक है बस। तो गाइस यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। अब उसके बाद सर ब्रीफ में क्या करना है, ब्रीफ में तुमको वन प्राइस शॉप का है ना वो करना है, और उसके बाद करना है तुम्हें स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर, उसके बाद आएगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, डिस्टिंग्विश में तुम्हें एक दो तीन, बस इतना क्लियर है। चलो अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में सर तुमको क्या करना है, लेटर ऑफ क्रेडिट, रिटेल, होलसेल, वन प्राइस और मॉल डिपार्टमेंटल, बात खत्म हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा तुमको, ठीक है। एक्चुअली कॉल आ गया था तो उसके लिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा। अब चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेसेस। अब देखते हैं भाई इसमें क्या है इसमें क्या नहीं। हाँ लास्ट ईयर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर है ना उम्मीद थे, मतलब कुछ क्वेश्चन या कुछ पार्ट उम्मीद था तो पूरे तरीके से इनकम्प्लीट है, इसलिए मुझे वापस बनाना पड़ रहा है। और हाँ मुझे कमेंट भी आया था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बना दो। अब देखो ऑब्जेक्टिव तो तुम्हें एज्यूम करके चलना है, ये भी एज्यूम करो। ब्रीफ में सर जल्दी से बता दो, तो ब्रीफ में भाई तुमको करना है 4 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल वाला, और उसके बाद आएगा चैलेंजेस, ठीक है एक दो। जस्टिफाई में करना है स्मॉल स्केल वाला और स्मॉल स्केल वाला, खत्म। और अटेम्प्ट द फॉलोइंग में तुमको करना है एनी 5 प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ब्रीफ, खत्म। चलो आंसर द फॉलोइंग में तुमको करना है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस करना है, और ये है ना, इट इज क्लियर दैट द अब्सेंस ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल इज द मेन रीजन फॉर द शॉर्ट टर्म सिकनेस, बस। एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में एक दो और तीन, ठीक है इतना क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, इसमें देखते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, और फिर उस हिसाब से देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि आपको आएगा। सेकंड में आपको सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू वाला करके रखना है। ब्रीफ में आपको एक दो तीन, और आपको डिस्टिंग्विश में एक दो तीन करना, और कॉर्पोरेटिव वाला करके रखना, वो भूलना मत। जस्टिफाई में आपको लाइबिलिटी करना है और जॉइंट स्टॉक मेन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, बस इतना क्लियर है। एंड इसके बाद आपको अटेम्प्ट द फॉलोइंग में डिस्क्राइब द फीचर्स, और उसके बाद जॉइंट स्टॉक वाला, और फिर उसके बाद एक्सप्लेन द फीचर्स में एक दो तीन चार पाँच, ठीक है बस इतना करके रखना है। एंड नेक्स्ट गाइस अपना लास्ट है चैप्टर नंबर 5, अब देखते हैं इसमें क्या है और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। बाकी सब फिर आप कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, आंसर लर्न करना आपके ऊपर है। वन सेंटेंस देखो, वन सेंटेंस करके रखना तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना भाई। अब इसके अंदर तुम्हें ये करना है पब्लिक प्राइवेट, और उसके बाद स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट, और हाँ MNC को भूलना मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश में तुम्हें करना है प्राइवेट पब्लिक, सेम वही चीज़ में इसको ये भी तीनों करके रखना है। एंड उसके बाद आएगा ब्रीफ, ब्रीफ में तुम्हें करना है एक दो, और उसके बाद आता है मेरिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। एंड जस्टिफाई में तुम्हें करना है डिपार्टमेंटल वाला और MNC वाला, और MNC का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आपको 1, 3, 8 और उसके बाद 5 करना है। एंड आंसर द फॉलोइंग डिटेल्स में आपको 1, 3, 5, 7 करना है, और जो 8 है वो करके रखो, बस इतना क्लियर है। तो गाइस बस 1 से लेके 5 चैप्टर के बीच आपको इतना ही करना है, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए यार अभी इससे ही पढ़ के थोड़ा प्रैक्टिस करो, लर्न करो, ठीक है। तो फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में। हाँ मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज़ उस बात का ध्यान रखना, और हाँ सपोर्ट जरूर प्रोवाइड कराना। तो गाइस टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे और वीडियोज़ को देखते रहें।